पावसाळा सुरू होताच आल्हाददायक वातावरणाची अनुभूती मिळते, जेथे पावसाचा मनमुराद आनंद घेण्यासाठी तरुणाई नेहमीच अग्रेसर दिसते. याच पावसाचा आनंद द्विगुणित करत वाशी सेक्टर 11 स्थित मरीन सेंटरच्या वतीने जगातील पहिल्या वहिल्या मराठी रॉक बँड मोक्षचंद संगीतमय पर्वणीचे आयोजन शनिवारी करण्यात आले होते, जेथे नवी मुंबईमध्ये पहिल्यांदाच अशा प्रकारच्या म्युझिकल बँडची उपस्थिती लक्षणीय ठरली. कैलास खेर यांच्या तेरी दिवानी या गाण्याने कार्यक्रमाची खरी सुरुवात झाली. तसं पाहता मरीन सेंटरच्या 18 वर्षांच्या कालखंडात सामाजिक बांधिलकी जपत नेहमीच विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असते. गीत एक शाम मरीन के नाम या सुरेलमय संगीत पर्वणी पाण्यावर उभा करण्यात आलेल्या स्टेजवर सादर झाला. याला नवी मुंबईकरांनी भरभरून दाद दिली. या अशा प्रकारच्या कलांना प्रोत्साहन देण्याची गरज व्यक्त करत महाराष्ट्राप्रती असलेली आपुलकी अशा करिता मरीन सेंटर आयोजित कार्यक्रमाचे कौतुक करताना मरीन सेंटरचे कॅप्टन पार्थोदास म्हणाले, मरीन सेंटर में हर कल्चर, हर म्युझिक, हर चीजों के लिए हम हमेशा उसको प्रमोट करते हैं. आज ये जो ग्रुप आया है, ये है सबसे पहला महाराष्ट्र का रॉक और पॉप बैंड. ये लोग नवी मुंबई के नहीं है, लेकिन इन लोग आज नवी मुंबई वाले के लिए ही आया है. क्यों ना हम उसे प्रमोट करें, हमारे पास जगह है, सब कुछ है, तो हम इनको प्रमोट करना चाहते हैं. महाराष्ट्र का सबसे पहला मराठी रॉक बैंड और मराठी जो बैंड है, और ये लोग की कला हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, आप सुन के ही बता दें. यहाँ जो लोग आते हैं उनको हम खुशियाँ देते हैं, और ये खुशियाँ के साथ में तो हम जहाँ से बचपन से बड़े हुए हैं वो खुशियाँ हर एक के लिए सेम है. लेकिन आज ये लोग जो आया है, ये मेरे लिए प्राउड प्राइड है कि हम इनको प्रमोट कर सकें. बॉलिवूडच्या सुप्रसिद्ध गाण्यांमध्ये देखील नेहमीच नाविन्य देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे प्रतिपादन मराठी रॉक बँड मोक्षचे गीतकार ऋग्वेद करंबेलकर यांनी केले. मेरा नाम ऋग्वेद करंबेलकर है और मैं मोक्ष का वोकलिस्ट हूँ. मेरे साथ में लीड गिटार पर जिमी अलेक्जेंडर, बेस गिटार पर सागर जोशी और ड्रम्स पर श्रेयस जोशी है. मोक्ष ये दुनिया का पहला मराठी रॉक बैंड है. हमने इस बैंड की शुरुआत 5 साल पहले हुई थी, और इसमें हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत सारी कोशिशें की हैं अलग अलग तरह का संगीत दुनिया को देने की. और हालांकि हम मराठी रॉक बैंड हैं, पर हम हिंदी और इंग्लिश इन भाषाओं में भी गाने बना चुके हैं और बना रहे हैं. और हम मुंबई के बाहर बहुत जगह पर हमने शोज बजाए हैं. कम से कम 300-350 शो पर तो बजे होंगे अब तक. और हमारी ये कोशिश है कि भारत के बाहर भी जो भारतीय संगीत है वो हम पहुंचाएं, तो यही हमारी कोशिश है. अभी हमने कुछ फिल्मों में कुछ गानों के लिए म्यूजिक दिया है, जैसे भारतीय सचा हार्दिक शुभेच्छा, 0.5 और दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में. तो वो जैसे जैसे आते जाएंगे तक तैसे वैसे आपको पता चलेगा कि मोक्ष ने कौन से गाने बनाए हैं. और हमारी और कोशिश जारी है कि इंडस्ट्री में भी हम बहुत सारा काम करें, और उसके अलावा हम जो भारतीय नागरिक हैं उनको अच्छी आवाज़ और अच्छा म्यूजिक देना चाहते हैं. मागील 5 वर्षांपासून संगीत क्षेत्रात मोक्षने भरीव योगदान दिले असल्याबाबत या म्युझिक बँडचे गिटारिस्ट सागर जोशी यांनी आपली भूमिका व्यक्त केली. मोक्ष हा जगातला पहिला मराठी रॉक बँड आहे. आम्हाला खूप आनंद होतो या ठिकाणी. पहिल्यांदा नवी मुंबईत आलो आहोत, अतिशय एक्साइटेड आहोत की या ठिकाणी आम्ही कधी वाजवलं नव्हतं, आणि आम्ही खूप आनंदित आहोत की अशा ठिकाणी आम्हाला खूप चांगल्या प्रतीने प्रतिसादसुद्धा मिळाला आहे. आणि खूप हॉस्पिटॅलिटी म्हणूया, आम्हाला खूप आनंद मिळाला आहे की एवढे चांगले होस्ट आम्हाला मिळाले, त्यामुळे आमचा इव्हेंट खूप चांगला झालेला आहे. आमचे आत्तापर्यंत भारतात सगळीकडे कार्यक्रम झालेले आहेत, साधारणतः 350 वर कार्यक्रम झालेले आहेत.
आणि ह्याच्यापुढे सुद्धा भारताबाहेर मराठी बांधवांसाठी कुठेतरी आम्ही आता मराठी कार्यक्रम करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत या वर्षी. आमचं बेसिकली मराठी जगातला पहिला मराठी रॉक बँड जरी असला तरी हा बँड फक्त आणि फक्त भारतीयांसाठी आहे. त्यात मराठीसुद्धा येतं, हिंदीसुद्धा येतं, इंग्लिशसुद्धा येतं, इतर भाषिकसुद्धा येतं. त्यामुळे आमचा कल हा फक्त मराठी नसून तर सर्व भाषिक लोकांसाठी एकत्रितपणे आणण्याचा प्रयत्न असणार. या गाण्याचा आस्वाद घेण्यासाठी आलेल्या प्रेक्षकांनीही मरीन सेंटरच्या या स्तुत्य उपक्रमाचे कौतुक केले. काफी लंबे वर्ष के बाद एक कुछ बोलते हैं ना कि से माहौल बना है. मैं तो इतनी देर आके गए हो कोई भी आके गा रहा था लेकिन टुडेज क्लाइमेट एंड द फर्स्ट वेदर एंड द जो यहाँ मैं आई एम कमिंग फ्रॉम स्पेशली घाटकोपर टुडेज अल्टीमेट क्लाइमेट एंड द अल्टीमेट सिंगर द वे दे हैव मैनेज द देवर सिंगिंग माइंड ब्लोइंग. इतना बढ़िया था कि अभी यहाँ से जाना नहीं मन हो रहा है. अभी वो जब तक यहाँ बैठेंगे मैं यहाँ बैठा रहूंगा ऐसा है. त्यातच या समारोहाला चार चांद लावले ते महाराष्ट्राच्या गौरव गीताने. भेज पे जरा सा और सोच कहा है खड़ा.